नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है ये, आरबीआई का अनुमान इस साल डबल डिजिट में दौड़ेगी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को दौड़ाने की यहाँ पर बात कह दी गई है, और वो भी डबल डिजिट के साथ। साल 2021-22 के लिए 10.5% की दर से अर्थव्यवस्था को विकास का अनुमान बता दिया है। आपको बता दें कि सेंसेक्स पहली बार 51,000 के पार पहुंचा है। वही निफ्टी भी 15,000 के आंकड़े को छू गया है, और लगातार बजट पेश होने के बाद से ही शेयर बाजार में तेजी बरकरार है। जब से बजट पेश हुआ है उसके चलते शेयर बाजार में तेजी है, और ऐसे में अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस वक्त की अहम खबर ही आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब से बजट पेश हुआ है जब से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो दरें हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही हैं, और साथ ही साथ नई क्रेडिट पॉलिसी का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई का अनुमान है इस साल डबल डिजिट में दौड़ेगी अर्थव्यवस्था, और वहीं साल 2021-22 के लिए 10.5% की दर से अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान भी जता दिया गया है। आपको बता दें कि सेंसेक्स पहली बार 51,000 के पार पहुंचा है, वहीं निफ्टी भी 15,000 के आंकड़े को छू गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ ऑल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है,